अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं कई दिनों से हड़ताल पर बैठी हैं और इसी को लेकर आज कलेक्ट्रेट चौराहे पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं ने धरना प्रदर्शन किया, तो वही मांगे पूरी नहीं होने पर प्रदेशव्यापी आंदोलन करने की भी बात कही है। नियमितीकरण, वेतन वृद्धि और पेंशन जैसी मांगों को लेकर प्रदेश भर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं हड़ताल कर रही है। इसी कड़ी में इंदौर में कलेक्टर चौराहे पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने बताया कि कई दिनों से हम हमारी मांगों को लेकर सरकार से निवेदन कर रहे हैं, लेकिन सरकार का हमारी मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं है। अगर सरकार जल्द ही हमारी मांगे नहीं मानती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। हम लोग कई जगह आवेदन दे चुके हैं, हमारी मांगे नहीं सुनी जा रही है। कई ज्ञापन भी दिए, कई बार हमने, फिर भी हमारी मांगे ऊपर तक, मंत्री महोदय तक, मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुंचाई जा रही है, या फिर ये लोग सुन लेते हैं और अनसुना कर देते हैं। तो हम लोग जो अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं, सबसे पहले हमें नियमित किया जाए। नियमित करने के साथ साथ जो हमारी बहनें बुजुर्ग हो गई है उन्हें एकमुश्त पेंशन दी जाए, जिससे वो गुजर बसरा कर सके। हम आंगनवाड़ी में पूरी तरह से सारा सहयोग, सारा काम करते हैं, शासन की सारी योजनाओं को मैदानी इलाके में उतारते हैं, पूरी हर विभाग का काम करके देते हैं। अब हमें बहुत दिन हो गए हैं धरना प्रदर्शन करते हुए, हमारे साथ 16 अन्य जिले और बैठे हैं, जिन जिलों में आंदोलन पूरी तरह से चल रहा है, सारी विभाग की सारी योजनाओं को प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री हमारी मांगों को संसद में या विधानसभा में नहीं रखते हैं तो हम आंदोलन उग्र करने की कोशिश करेंगे और उस विषय में हम सभी बहनों को बदल बदल कर तरह तरह से मांगों को लेकर मंत्रियों के पास जाएंगे और अपनी मांगों को मनवा कर ही रहेंगे। आपका नाम? मेरा नाम है रीना सेठिया फरकिया, जिला अध्यक्ष बुलंदावाज नारी शक्ति इंदौर। कुल मिलाकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपनी मांगे मनवाने के लिए अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं अब उन्होंने मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को घेरने की योजना भी बनाई है। कुल मिलाकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपनी मांगे मनवाने के लिए अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं अब उन्होंने मुख्यमंत्री और मंत्रियों को घेरने की योजना भी बनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज टीवी, इंदौर। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात, एमपी न्यूज के साथ।